अभी हमें रिलायंस के जनरेटर टरबाइन हॉल में आपको दिखा रहे हैं जनरेटर टरबाइन कहाँ पे रखी हुई है। ये है जनरेटर का ग्राउंड फ्लोर दिख रहा होगा नीचे, और ऊपर में टरबाइन रखा है, टरबाइन और जनरेटर। काफ़ी सारी फालतू की साउंड आ रही है यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है, और बेसिक स्टेप लगभग सभी को पता रहता है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है। और आपको पता है कि यहाँ पे कोल को पीस कर और उसको बर्न करते हैं, जिससे वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और हम स्टीम को टरबाइन के थ्रू पास करते हैं, जिससे टरबाइन घूमने लगती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगता है। आपको दिख रहा होगा जनरेटर, यह है LP टरबाइन, यह है HP टरबाइन। आपको पास से जाकर अच्छे से दिखाता हूँ। आपको पता होगा कि टरबाइन के 3 पार्ट होते हैं, HP टरबाइन, LP टरबाइन। LP के 2 होते हैं, LP टरबाइन A, LP टरबाइन B। यह जो बॉक्स के रूप में दिख रहा है HP टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन, जो बॉक्स में बंद है। इसके अंदर अभी बंद है, जा नहीं सकते हैं, तो आपको बाहर से दिखा दे रहे हैं। यह है LP टरबाइन, बहुत बड़ा सा है, हाई प्रेशर। यहाँ आपको दिख रहा होगा LP टरबाइन A, LP टरबाइन B। तो आपको ऊपर में दिख रहे हैं 2 पाइप आए हैं HP टरबाइन से। HP टरबाइन से आके एक पाइप LP टरबाइन A में गया है, और एक पाइप LP टरबाइन B में गया है, जिससे स्टीम होके LP टरबाइन A में जाती है और स्टीम B में भी जाती है, जो नीचे से बाहर निकल जाती है टरबाइन के थ्रू, और फिर से उसको हीट करने के लिए बॉयलर में भेज देते हैं, इकोनोमाइजर में। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे HP टरबाइन है जो कि बॉक्स में बंद है, और यहाँ पे LP टरबाइन A, LP टरबाइन B है। आपको बता दें कि जो टरबाइन अलग अलग टरबाइन है, LP टरबाइन, HP टरबाइन, LP के 2 AB टरबाइन है, इनके तीनों शाफ्ट एक में जुड़े रहते हैं, जो कि जनरेटर शाफ्ट से कनेक्ट रहते हैं जनरेटर के रोटर में। आपको दिख रहा होगा शाफ्ट यहाँ पे घूम रहा है 3000 RPM पे, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, दिख रहा होगा। अब आपको लेके चलते हैं जनरेटर के पास। ये स्टेज 5 का जनरेटर है, स्टेज 4 का आपको सामने दिख रहा होगा, और स्टेज 6 इधर दिख रहा है रेड कलर में दूर। तो अभी हमें स्टेज 5 के पास, ये जनरेटर 5 बहुत बड़ा साइज होने के कारण पूरा कैप्चर नहीं हो पा रहा है, और हम बहुत दूर खड़े होने पड़ रहा है हमको। यह है जनरेटर का स्टेटिक एक्साइटर। तो आपने देखा कि यहाँ पे स्टेज 5 का जनरेटर रखा है, और टरबाइन रखी गई हैं। कई लोग टरबाइन में कंफ्यूज रहते हैं कि टरबाइन कैसा होता है, कैसा दिखता है, एक LP टरबाइन क्या होता है, HP टरबाइन क्या होता है। तो आपने यहाँ देखा कि LP HP टरबाइन है, LP के 2 टरबाइन होते हैं AB, जिनके तीनों शाफ्ट एक ही में जुड़े रहते हैं, अलग अलग नहीं होता है। और यहाँ पे रोटर की स्पीड 3000 RPM होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। आगे आपको ले चलते हैं टरबाइन के निचले वाले हिस्से में, जहाँ से स्टीम बाहर जाता है। आपको दिख रहा होगा टरबाइन के निचला हिस्सा, अभी हम वहाँ पे जाएंगे। उससे पहले हम स्टेज 4 के पास जाएंगे, जहाँ पे शटडाउन लगा है, तो वहाँ पे कई सारे पार्ट्स खुले हैं, उनको देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे आपको कपलिंग दिख रहा होगा खुला हुआ है, स्टेज 4 का बहुत बड़े बड़े कपलिंग रखे हैं। ये है टरबाइन के कपलिंग, और 6 मंथ में एक बार शटडाउन चलता है, तो उसमें रिपेयरिंग करते हैं पूरा, जो जो ख़राब रहता है, तो वही चल रहा है यार। संघाई चाइना, यहाँ के पूरे पार्ट्स चाइना से आते हैं। यहाँ देखिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं स्टेज 4 के पास। यहाँ देखिए अब जनरेटर को ओपन कर रहे हैं, पूरा खुल चुका है, और अभी खोलेंगे अच्छे से। यहाँ पे आपको क्रेन दिख रहा होगा जाता हुआ। यहाँ से ऑपरेट हो रहा है क्रेन। देखिए क्रेन ऑपरेट हो रहा है,
भी क्रेन है यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कूलिंग पाइप दिख रही होंगी, जिससे स्टेटर और रोटर को कूल किया जाता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे जनरेटर को ओपन करके, जिसमें बाइंडिंग दिखेंगी आपको, रोटर स्टेटर पूरा दिख जाएगा। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, जिसको जिसको भी पूरा चीज़ देखना है। यहाँ पे देखिए पूरा क्रेन ऑपरेट होता है, देखिए एक्साइटर देखने का मौका मिला है कैसा हो। और देखिए यहाँ पे कार्बन ब्रश कैसे लगे रहते हैं एक्साइटर में। और टोटल देखिए टोटल आउटपुट इधर से निकल रहा है, फिर होटल से बाहर चला जाएगा। कितनी मोटी बस बार लगी है यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको। इसके ऊपर शट डाउन है तो पूरा खुला हुआ है, इसलिए देखने का मौका मिल जा रहा है। देखिए छः सौ साठ मेगावाट मीन्स 765 KV।